हाय गाइस, वेलकम बैक टू अशिताक्षी लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू लच्छा कटोरी चाट की रेसिपी। अगर शाम के नाश्ते में आपको कुछ चटपटा, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है तो आप इस रेसिपी को घर में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 छिले हुए आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। बड़ी साइड की तरफ से हमें आलूओं को ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आलू के लच्छे तैयार हो चुके हैं। सभी आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम एक बड़े बोल में डाल देंगे। बोल में हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट तक रहने देंगे जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। फिर हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर में हम आलूओं को डालकर इसका पानी निकाल लेंगे। आलू के पानी को स्ट्रेन करने के बाद इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को एक बड़े बर्तन में निकाल दिया है। फिर इसमें हम मैदा ऐड कर लेंगे, 2 बड़े चम्मच। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। फिर आलू और मैदा को हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 स्टील की छन्नी ले ली है। छन्नी में हम तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद जो हमारा आलू और मैदे का मिक्सचर है उसे हमें छन्नी के चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने जो स्टील की छन्नी में आलू लच्छा कटोरी बना कर रखी थी उसे हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पर हमें छन्नी को चारों तरफ तेल में अच्छे से घुमाते हुए फ्राई कर लेना है जिससे आलू लच्छा कटोरी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर हमारी आलू लच्छा कटोरी हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इसे चाकू की हेल्प से छलनी से बाहर निकाल लेंगे। ये ईजिली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आलू लच्छा कटोरी को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें फिर से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे आलू लच्छा कटोरी तैयार हो चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आलू लच्छा कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर हम आलू लच्छा कटोरी में 2 से 3 पीसेस बॉयल आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच मीठी दही ऐड कर लेंगे। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर ली है। धनिया पुदीने की हरी चटनी ऐड कर ली है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज ऐड कर लिया है। अनारदाना हम ऐड कर लेंगे। चाट को और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है। तीखेपन के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर ली है। ऊपर से हम इसमें सेव ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, तैयार है हमारी आलू लच्छा कटोरी चाट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।